मुझे साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कल डिसीजन सरकार का आया है उसके बाद मार्केट पर किस तरह का असर होगा, आप तीन तरह के डिसीजन असर की बात करें। देखिए, एक तो सबसे पहले हम इसका विरोध करते हैं कि ये ड्यूटी नहीं बढ़नी चाहिए थी, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये ड्यूटी इस समय बढ़ाना। हम तो इस बजट में ये मांग करने वाले कि ड्यूटी और कम करो, और इन्होंने उल्टा बजट से पहले ड्यूटी बढ़ा दी, तो इससे और हमारे दुकानदारों को परेशानी हो गई। जितना मार्जिन कम होगा उतना ही स्मगलिंग कम होगी। अब जो स्मगलिंग थी ड्यूटी बढ़ने से पहले वो थोड़ी सी थी, बिल्कुल माइनर, आटे में नमक के बराबर। अब क्या है, मार्जिन जो हो गया, आप ये समझ लीजिए कि पहले 250 रुपये थी, अब 150 रुपये बढ़ने से 400 रुपये पर 10 ग्राम ड्यूटी हो गई। इसका मतलब हो गया 10%, मतलब 4 लाख रुपए का अगर 1 किलो सोना आता है तो 4 लाख रुपए के 1 किलो सोने पे 40,000 रुपए का हो गया। अगर जिस चीज़ में 10% का मार्जिन हो जाए और सोने चांदी के काम में, तो उसमें तो स्मगलिंग अपने आप हो जानी है। तो जो हम स्मगलिंग को रोके बैठे हुए थे, और गवर्नमेंट भी, भारत सरकार जो पहले मंत्री हैं, उन्होंने ऐसी पॉलिसी लाई जिससे स्मगलिंग रुक गई थी, वो फिर जो है स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 15% हो, चाहे वो 20% हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% हो जाएगी। स्मगलिंग के अलावा दूसरी क्या परेशानियाँ होने वाली हैं? दूसरी परेशानी यह है कि जो हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे थे, दीपावली इस दफ़े हमारे ज्वेलर्सों की जो है बिल्कुल नगण्य गई, मतलब ऐसे ही हमारे ज्वेलर्स कहते हैं जितनी 50 साल में पीछे हमने कभी ऐसी दीपावली नहीं देखी जो अब के दीपावली गई थी। अब कुछ लोगों के मन में थी कि नए साल में शादियाँ होंगी, नया साल आएगा तो हमारा कुछ बिखरा हो, और उल्टा ये ड्यूटी बढ़ गई तो वो जो कस्टमर है वो फिर जो है पीछे हो जाएगा। अब जिसको बहुत ज़रूरी होगी लेना वो लेगा, जिसने लड़की की शादी में देना ही देना है, जिसने पहनने के लिए लेना है, अपना दिखाने के लिए लेना है, वो नहीं लेगा। अच्छा, बढ़ने से यहाँ जो ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्केट है सोने चांदी का जी, और यहाँ कितने कारोबार होता है रोज़ सोने में? काफ़ी, मतलब कारोबार होता है सारा उत्तर भारत का, कारोबार दिल्ली से होता है, सोने में भी और चांदी में भी, दोनों में। नहीं, ये एस्टीमेट हो सकता है कि यहाँ इतने का कारोबार होता है? नहीं, एक पक्का एस्टीमेट तो नहीं हो सकता, बाकी इसमें अब कमी आ जाएगी लगभग, हाँ वो भी कमी आ जाएगी। जो कारोबार इस मंडी में, दिल्ली की मंडी में 10-15 करोड़ रुपए रोज का होता था, वो अब डाउन आ जाएगा, वो भी जो है घटके 15 का होता तो 10 का रह जाएगा, 10 का होता तो 5 का रह जाएगा। तो चांदी और आपका जो है सोना 24 कैरेट, और जो 22 कैरेट है वो है आपका ऑर्नामेंट। 22 कैरेट के रूप में सोना नहीं बिकता, सोना मतलब उसमें आप लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कुछ जो दिल्ली में व्यापारी दिल्ली व्यापार महासंघ जो बना, जो फर्क आया है सोने में जी, उसकी वजह से चांदी पर क्या फर्क आया? चांदी में बराबर की फ्लक्चुएशन चलती है, चांदी और सोने का इंटरलिंक है, जैसे इस पर ड्यूटी बढ़ी है तो नेचुरली वहाँ पर सेंट या डॉलर्स के इंक्रीज हो जाने। तो चांदी में कितनी तरीके आई? चांदी में एक ही भाई, अभी दो रोज पहले 100-125 रुपये डाउन हुई थी, अब फिर वो रिवर्स हो गई है 150 रुपये, फिर अपर्स में आ गई। आप इन दोनों बातों को कि मतलब चांदी, ये जो फर्क आया है इसकी वजह से चांदी और सोने का, चांदी और सोने का इंटरलिंक है, नेचुरली है कि भाई जैसे इस पर ड्यूटी बढ़ाई है तो नेचुरली सिल्वर पर भी चांदी रेट इंक्रीज हो जाने हैं। तो वो कितना इंक्रीज हुआ है? 150 रुपये के करीब। नहीं तो इसी बात को एक मिनट ऑफ कर लो, जान साहब बताइए कि क्या फर्क आया है इसमें? भाई ड्यूटी बढ़ने के बाद ये चांदी में 100 रुपये इंक्रीज हो गई है चांदी, और वैसे व्यापार बिल्कुल डल हो गया है, व्यापार खत्म हो गया है, बायर नहीं है चांदी में भी, बायर नहीं, चांदी में बायर नहीं है और गोल्ड में भी बायर नहीं। ये क्या सोने और चांदी के बारे में बता रहे थे कि दोनों इंटरलिंक है? हाँ, दोनों इंटरलिंक है, जैसे भी इस पे 150 रुपये पर 10 ग्राम जो ड्यूटी इंक्रीज की है तो नेचुरली चांदी भी मतलब 100-125 रुपये इंक्रीज हो गई। अच्छा, ये फर्क क्या जो चांदी में आया है ये लंबे समय तक चल सकता है? अब मे बी, मतलब ये, मतलब ये जो बढ़ोतरी है ये मतलब टेम्पररी नहीं है? नहीं, टेम्पररी तो नहीं है, तो डे बाई डे और इंक्रीज होती चली जाएगी। ले लीजिए आप, आपको आप पकड़
बस लो ये लो सिक्के देखो ये कैसे हैं, इसकी सही नहीं है डाई।